सीखने की चाह हो तो कोई भी कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। अगर हम सीखना चाहें तो कुछ भी कहीं भी और कभी भी सीख सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं आना है, कोई प्रॉब्लम्स हमें नहीं आने, कोई डिफिकल्टीज नहीं आने। शर्त कि हम सीखना चाहते हैं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हासिल हो जाएगी हमें, जिस चीज को हम हासिल करने की डिजायर रखते होंगे, जो हम विश करेंगे वो सब हमें मिल जाएगा। और इसके लिए बड़े खूबसूरत खूबसूरत एग्जाम्पल दुनिया में है। एक लव्य नाम सुना होगा आपने। उसके गुरुजी ने इनकार कर दिया, नहीं भैया मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। पर उसको तो सीखना था, सीख ली कि नहीं सीख ली? अरे बोलो भाई, उसने सीख ली और इतना स्टैंडर्ड सीखा कि इवन गुरुजी को डाउट होने लगा कि जो विद्या मैंने अपने शिष्यों को सिखाई है ये उससे कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो उसने अपने डिग्निटी को बचाए रखने के लिए उसकी अंगूठा कटवा लिया था। तो सीखने की चाह थी बच्चे में, तो बिना गुरु का ही सीख लिया क्या? जंगल में सीख लिया। सीखा कि नहीं सीखा? तो शर्त है कि आप में चाह होनी चाहिए। और अंग्रेजी में कहावत भी है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह है वहां राह है। आप चाहो तो सही, वो तमाम मिलेंगे। इसी को ओम शांति ओम एक फिल्म है, शाहरुख खान कहता है कि जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। अर्थात हमारी चाहत होगी तो दुनिया की तमाम सारे जर्रा जर्रा वो हमें दिलाने की साजिश करेंगे, वो हमें दिला देंगे, हमारी सीख बढ़ जाएगी, हमें वो तमाम चीजें हासिल हो जाएंगे जो हमें चाहिए। तो आज हम सीखने क्या जा रहे हैं कि हमारी घरेलू चीजें हमें क्या क्या सिखा सकती हैं। हमारी सीखने की अगर चाह है तो हमसे हमारा घर, हमारे घर के तमाम सारे ऑब्जेक्ट हमें क्या सिखा सकते हैं। तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी सुना देते हैं आपको। हम सब लोग जिस घर में रहते हैं उसमें एक छत होता होगा क्या? उसमें एक खिड़की होगी, उसमें फैन होंगे, उसमें एक ड्रेसिंग टेबल होगा, उस घर में मोबाइल और मोबाइल चार्जर भी होगा, है क्या? तो हम सिर्फ इन पांच चीजों को मेंशन कर देते हैं कि देखिए ये हमसे क्या कहते हैं, यानी कि तमाम सारे ऑब्जेक्ट हमें कुछ बता रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं। शर्त यह है कि हम अपने दिल दिमाग से तैयार कितना है। अगर हमारा दिमाग खुला हुआ है तो उनके मैसेज को रिसीव कर पाएगा, और अगर हमारा दिमाग बंद है तो घर के तमाम सारे ऑब्जेक्ट चिल्ला चिल्ला के हमें बताएंगे पर हमारे ब्रेन तक उनके मैसेज रिसीव नहीं हो पाएंगे। सबके घरों में छत है, वो छत हमेशा ऊंचा ही होता है क्या? ये छत हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा कि बेटा अपने एम हाई रखो, अपना उद्देश्य ऊंचा रखो। जैसे मैं ऊंचा हूं वैसे तुम अपने उद्देश्य को ऊंचा रखो, तुम्हें वो सब हासिल होगा जो तुम्हें चाहिए। ये हमसे छत रोज बता रहा है। शर्त ये है कि हम उसको सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आपके घर का फैन बता रहा है कि मूवमेंट में रहोगे तो काम लायक रहोगे, वरना उतार के फेंक दिए जाओगे। सो देयर मस्ट बी एक्शन। सुस्ती नहीं आना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। आप सक्रिय रहोगे, चलते रहोगे तो काम लायक रहोगे। जैसे इन्होंने कहा ना कि सर मैंने परसों प्रैक्टिस करी थी, अर्थात फिर प्रैक्टिस छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? तो प्रैक्टिस छोड़ दे तो काम लायक नहीं रह पाओगे। तो ये घर का फैन बता रहा है कि ऑलवेज हैव मूवमेंट्स, आप में गति रहेगी,
डायनेमिक रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, चलते रहेंगे तो काम लायक रहेंगे। वरना कहा गया है स्टैग्नेंट वाटर इज ऑलवेज पॉल्यूटेड, स्टैग्नेंट वाटर इज ऑलवेज पॉल्यूटेड, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ठहरे हुए पानी में सड़न होता है, तुरंत वो गंदा बदबू देना शुरू कर देगा। वही बहता हुआ पानी गंगा को लोग पवित्र मानता है। मक्का मदीना से पानी आता है, आप जमजम वो पवित्र है, आप कितना भी साल रख दीजिए पानी वैसे ही प्योर रहेगा, ठीक है भाई। और वही स्टैग्नेंट वाटर तुरंत पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर आपके घर का शीशा कहता है, घर का ड्रेसिंग टेबल कहता है कि फाइंड फॉल्ट, अपनी कमियां पता लगाते रहिए। अरे शीशे के सामने महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, क्या करने, अपने को ड्रेसअप करने, कहीं कोई कमी तो नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो घर का शीशा बता रहा है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ड्रॉबैक्स आर देयर इन यू, आप में क्या खामियां हैं उन्हें पता लगाइए, क्या दुश्वारियां हैं उन्हें पता लगाइए। हो सकता है कि आपके बाल उलझे हो तो सुलझा कर लेंगे, बटन उल्टा सीधा लग गया तो सीधा कर लेंगे, आपकी जिप खुली हो सही कर लेंगे, ये पता तब चलेगा जब आप शीशे के सामने आएंगे। ऐसे ही सोसाइटी इज योर्स मिरर, समाज आपका दर्पण है, सोसाइटी इज योर मिरर, समाज आपका दर्पण है। आप आओ समाज में तो कमी पता चलता रहे कि अब मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, अब मुझे और क्या सुधार कर लेना चाहिए, अब मुझे और क्या सुधार कर लेना चाहिए। तो जैसे कमी पता चलेगी आप उसे फिर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपके घर का खिड़की बोलता है, झांक के देखो एक दूसरी दुनिया भी है बाहर, इस रूम में पैक है, झांकेंगे तो और भी बहुत कुछ दिखाई देगा। सो डोंट बी सेटिस्फाइड अप टू व्हाट यू हैव विद यू, जो है उसके बाहर भी दुनिया है, उसे बाहर की चीज भी हासिल करो, उसे देखो तो सही, फिर आपको लगा रहे मैं तो अभी कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो मुझे बहुत सीखना बाकी है, मैं मुफ्त में बड़ा अपने आप में प्राउड फील, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अभी दुनिया बहुत बड़ी है। आओ जहां सेंटर्स ऑफ कॉम्पिटिशन होते हैं, जहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, देखना लाखों लाखों का मजमा है जो आपसे बहुत होशियार है एंड स्टिल स्ट्रगलिंग, तो आप तो कुछ भी नहीं हो। तो ये नियत होना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ ग्लैंस आउटसाइड, यू मस्ट वॉच आउटसाइड, देखो झांक के तो बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, और भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आपके पास मोबाइल है, आप देखते हैं कि मुझे कहीं दूर निकलना है, मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, आपकी नजर होती है कि मोबाइल मेरा साथी है, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में बैठ जाए, तो आप उसे चार्ज करते हैं अर्थात बैकअप करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्पीकिंग को चार्ज किया, क्या आपने कभी अपने आप को चार्ज किया कि मैं फला जगह जा रहा हूं वहां डिस्चार्ज ना हो जाऊं। अरे आप घर से निकलते हैं रात में, सोते ही फर्श से अपना मोबाइल लगाते हैं चार्ज के लिए कि सुबह हमें काम होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर के काम पड़े हैं मेरे पास। सेम ऐसे ही आपको सोचना है कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं, क्या मैंने अपने आप को चार्ज किया, और नहीं किया तो फिर आप कैसे स्टैंड होगे, आपकी बैकअप कैसे आएगी, आप फिर अपने आप को बैकअप नहीं दे पाएंगे, और होना बेकार हो तो बेकार हो ही जाएंगे ना। तो ये आपकी घरेलू चीजें हैं, और सबने मिलकर ये सिखा दिया कि नाउ यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट द थिंग्स यू हैव विद यू। जो चीजें आपके आसपास हैं, आपके जानने वाले में से हैं, आपके टच में हैं, उनसे अगर हम कुछ सीख लिया तो समझो काम लायक हो जाओ। तो मैंने शुरुआत करी थी कहानी की कि अगर इंसान सीखना चाहे तो कुछ भी कहीं भी कभी भी बड़ी आराम से सीख सकता है, और अगर नियत नहीं है तो फिर मैं भी नहीं आपको सिखा सकता।